हेलो आमिल, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। हम लोग रनवे 34 के बारे में आएंगे। रनवे 34 एक बहुत ही टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है, उसके बारे में आएंगे। उसका स्क्रीन प्ले आपने लिखा है, स्टोरी आपने लिखा है, डायलॉग्स आपने लिखा है। स्टोरी मैंने लिखा, आई'd लाइक टू करेक्ट यू, स्टोरी संदीप केवलानी ने लिखा है, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आई वर्क्ड विद हिम। ओके, सो टेल मी, उससे पहले आपकी जो जर्नी रही है, क्योंकि मुंबई तक पहुंचने और अजय देवगन फिल्म्स तक पहुंचना, इसकी ये बहुत एक लंबी जर्नी रहती है। आप कैलकटा सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे, वहां से वो ये जर्नी आपने कैसे कवर की, वो अगर आप बताएं तो वो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगा। आई थिंक पूरा पूरी जिंदगी जो है ना मेरी इंट्यूशन पे चली है। सो मैंने ऑलरेडी कॉलेज के टाइम में डिसाइड कर लिया था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। उस वक्त मेरी एक थिएटर ग्रुप थी 9 Point Blank के नाम से, जो मैं कैलकटा में ही चलाता था, एंड उसमें मोस्टली हम लोग हिंदी प्लेस करते थे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर शो था जहाँ पे हमको टिकट्स बेचने में बड़ी तकलीफ हुई। सो धक्का मार के हाउसफुल तो कर दिया हमने, लेकिन उस वक्त मैंने अपने, मेरा एक थिएटर पार्टनर था अंशुमन, उसको मैंने बोला था कि यार अगर इट्स अ लॉट इजियर सेलिंग टिकट्स व्हेन यू आर अ नसीरुद्दीन शाह, क्योंकि उनके पास उतना काम है और उन्होंने उतना टाइम स्पेंड किया है ऑडियंस के साथ वो एक रिश्ता बनाने में, तो वाई आर वी डूइंग व्हाट दे डूइंग। कि यू नो अगर आपको फिल्म्स ही वो प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी कनेक्टिविटी आती है, आज के तारीख में अगर आप प्लेस भी करते हो या कुछ भी करते हो तो लोग पहले देखते नाम देखते हैं। तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि ये लास्ट प्ले है मेरा, तो उसके बाद मैं थिएटर नहीं करूंगा। दैट वाज 2012। फिर उसके बाद बहुत लंबा गैप आया जहाँ पे बहुत आई वाज डैबलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, हॉरिबल हॉरिबल एट इट। कभी सो स्टैंड अप कॉमेडी का भी मैं आई मेड इट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो था, वहां तक मैं पहुंचा था। माय नेबर वाज कपिल शर्मा उस वक्त, लाइक सबको एक साथ ही रखते थे। एंड भारती जो है शी वाज स्टार्टिंग आउट, हमारे ही एपिसोड से निकली थी वो हुआ। फिर उसके बाद बहुत लंबा पीरियड गया स्ट्रगल का। प्रॉपर कोई नौकरी नहीं कर रहे हो तो लोग आपको पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, तो मैं कहता था मैं फिल्म लिख रहा हूँ। अब उसमें पूछते थे कि फिल्म में कौन है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि अजय देवगन और अमिताभ बच्चन, क्योंकि उस वक्त का टाइटल था मेडे और मैं लिख रहा था, और मैंने एक पोस्टर भी क्रिएट किया था विद अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन सर ऑन द पोस्टर। अब उसके बाद वो बात खत्म हो गई, स्क्रिप्ट कंप्लीट होने लगी, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्योंकि एक एक खास बात बॉलीवुड की मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं है। आपकी स्क्रिप्ट लिखना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आप किस तरह से उसको पिच कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। आप किस तरह उसको नरेट कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कहा गया कि मेरी नरेशन स्किल्स अच्छी है, बट किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो अपने आइडिया को वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक सैम्पल ट्रेलर कट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा क्योंकि इसका थोड़ा, तो एक सैम्पल ट्रेलर कट किया using internet footage or whatever, and मेरे दिमाग में था कि किसी तरह ये अजय सर तक पहुंच जाए। आई डोंट नो हाउ, क्या कनेक्शन होगा, कौन लेके जाएगा, मुझे नहीं पता, बट ये ट्रेलर एक कट कर रहा हूँ, अगर ये अजय सर तक पहुंच गया तो ये ही कॉल अस। मेरे को वो कॉन्फिडेंस था। ट्रेलर अजय सर के कजन को दिखाई, उनको भी ट्रेलर अच्छी लगे, तो ट्रेलर पहुंची अजय सर तक। आई डोंट नो क्या हुआ, बट हमको कॉल आया गया कि अजय सर वॉन्ट्स टू मीट यू। एंड फिर उसके बाद हमने नरेशन दिया, जाके नरेशन दिया, एंड उस वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, कुछ डिले हो गया, फिर अचानक से लॉकडाउन के दौरान वो कॉल आता है। एंड फिर उसके बाद हमको दोबारा बुलाया गया, देयर वर कपल ऑफ चेंजेस जो उन्होंने बोले थे वो किए हमने, एंड फिर हो गया। अब हम लोग रनवे 34 के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, फिल्म के राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि ये जो फिल्म का जो स्ट्रक्चर है, आपने रखा कि फर्स्ट हाफ में जो फिल्म का जो स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट्स मोर लाइक अ सर्वाइवल काइंड ऑफ थ्रिलर, कि एक प्लेन जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है वो कैसे वो उनको सेव कर रहे हैं, और दूसरे हाफ में जाके वो एक कोर्ट रूम ड्रामा बनती है। रैदर मतलब मुझे ये जानना है आपसे कि आपने ये अप्रोच क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं किया कि इसने कट करके कोर्ट रूम से स्टार्ट किया, कोर्ट रूम ड्रामा से स्टार्ट किया, एक एक आदमी बता रहे हैं और उस हिसाब से आप इंटरकट कर रहे हो,
तो उससे आप एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट, तो ये मतलब ये सेम मेथड जो है, ऑल्दो पहले तो मैं बता दूं लोगों को कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, जिसको थारली पढ़ के ही लिखा गया था। कुछ ऑब्वियसली उसमें फिक्शनल थ्रिल ऐड करने के लिए थोड़ा सा ये किया गया है, बट 90% आप मान के चलो कि इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट। हुआ क्या कि वी हैव ऑलरेडी सीन साली, मतलब आई हैव सीन साली, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि उसका फॉर्मेट जो है वो बैक एंड फोर्थ जाता है कि कोर्टरूम एक इन्वेस्टिगेशन, और कोई भी एविएशन थ्रिलर होगा, जैसे अगर आप कोई मर्डर मिस्ट्री बना रहे हो तो उसमें क्या होगा कि एक आदमी है या कोई कैरेक्टर है उसका मर्डर हो जाता है, एंड देन फिर उसके बाद यू गोना फाइंड आउट हुज डन इट या जो भी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, अब वो जो क्राइम समथिंग हैज बीन समथिंग हैज हैपेंड, अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, राइट। प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़ा ये था कि हमको लगा कि अगर आप फ्लाइट से निकाल देते हो ऑडियंस को, जो वो इंटरकट के इसमें होता है, तो देन वो जो एक एक्सपीरियंस देना था ऑफ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, अगर आप किसी को फ्लाइट के अंदर बंद करते हो, द होल आइडिया ऑफ दिस फिल्म वॉज टू गिव द ऑडियंस द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन दैट फ्लाइट एट दैट मोमेंट, एंड वो तभी होगा जब आप नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली यू सक द ऑडियंस इन फॉर दैट वन आवर, आई थिंक द फर्स्ट वन आवर विच यू टॉकिंग अबाउट लिटरली। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि इस एक फिल्म में दो फिल्म है, पहला हाफ जो है which is man versus nature, it's inside the flight, or second half jo hai it's inside the courtroom, and wo completely different heads, because man versus the system or man versus Narayan Vedant the protagonist. To isme I get your point ki kyun nahi usko intercut kiya gaya, but humko laga ki wo kahin na kahin wo jo experience tha flight mein baithne ka, agar aap first half dekhenge to uska jo experience hai pura wo cut ho jata kahin na kahin, to shuru hota hai जो फर्स्ट आपका प्लेन वाला पोर्शन है वो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट एक फिल्म है। मतलब किन सेंस में बोल रहा हूँ कि कैमरा आप देखें कंटिन्यूअस टेक्स है, और अजय सर ने बोला भी था काफी सारे इंटरव्यूज में कि उन्होंने कैसे उसको बनाया, सेट बिल्ड किया, और जैसे कि एक सीन था दुबई के होटल में, मल्टीपल अजय देवगन है वो जो मोशन ट्रैकिंग वाला शॉट है, तो वो सब क्या दीज आर लाइक डायरेक्टर नहीं, दैट वॉज अ डायरेक्टर। स्क्रिप्ट में यह था कि विक्रांत खन्ना जो है वो उसको नींद नहीं आ रही, एंड कॉन्स्टेंटली ही इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, कभी यू नो इट्स अ सनलाइट, कभी बाहर रूम क्लीनिंग सर्विस है, कभी कुछ हो रहा है, बट ही इज अनएबल टू गेट प्रॉपर अनइंटरप्टेड स्लीप। बट ये जो तीन चार अजय देवगन आपको दिख रहे उस फ्रेम में, दैट इज कम्प्लीटली अजय सर। मेरे को ऐसा लगा काम करके रनवे 34 पे कि विच वॉज अर्लियर टाइटल मेड ए, कि अजय सर इज वेरी अंडररेटेड एज अ डायरेक्टर, और लोगों को पता नहीं है कि वंस गिवन द राइट स्क्रिप्ट, एंड अभी भी कहीं वी स्टिल सर्चिंग फॉर दैट यू नो, कि वंस ही गेट्स द राइट स्टोरी और द राइट स्क्रिप्ट, यू विल बी ब्लोन अवे बाय व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। अगर आपने रनवे 34 का वो लैंडिंग सीक्वेंस भी देखा है फर्स्ट हाफ का, सो दैट सेज अ लॉट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर yeah, like I'm really dying for the world to see what that man is capable of as a filmmaker. और ये जो character है, ये character जैसे पहले हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं इसने कोई गलती की है, और जब तक वो end वो climax तक नहीं पहुंचता तब तक आपने वो suspense maintain करके रखा है कि ये अच्छा है कि बुरा है, इसने क्या किया है, जान तो लोगों की बचाई है इसने, लेकिन इसकी लापरवाही की वजह से ही problem शुरू हुआ था। तो वो जो और कैरेक्टर में एक अल्फा मेल वाला एक चीज भी है, वो अपनी तारीफ खुद ही करता है स्टार्ट में, तो ये कैरेक्टर बहुत ही मतलब एक ग्रे एरिया में है, कुछ अच्छा भी है या हाँ, तो वो कैसे डिजाइन किया आपने? वो स्टार्टिंग से डिसाइडेड था, बिफोर पुटिंग पेन टू पेपर, वो स्टार्टिंग से डिसाइडेड था कि अगर एक कैरेक्टर है, यू सी यू हैव टू रियलाइज कि कोई भी कहानी में जो सेंट्रल मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो प्रॉब्लम में फंसता है, या तो किसी और की गलती के वजह से, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, या फिर खुद की गलती की वजह से, बट हमेशा इट इज देयर ओन चॉइसेस। यूजुअली जो बढ़िया कहानियां हैं, जो चाहे आप शेक्सपियर के टाइम से पढ़ते आओ, तो ऑल द गुड स्टोरीज हैव दैट एलिमेंट कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी गलती सेल्फ क्या बोलते हैं एन आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन मिजरी, जो कहते हैं ना कि आप खुद से अपनी तकलीफ
को क्रिएट कर रहे हो, सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए कि किसी और के वजह से अगर वो प्रॉब्लम में फंसता तो मुझे वो मजा नहीं आता। तो ये क्लियर था कि ये ही इज अ ब्रिलियंट गाय बट ही इज ऑल्सो वेरी कॉकी, ही इज ऑल्सो वेरी एरोगेंट एंड एरोगेंस विल बी हिज डाउनफॉल। कभी कभी होता है ना कि राइटर डायरेक्टर बहुत किसी चीज को पसंद करते हैं तो होमाज देने की कोशिश करते हैं। मुझे जब मैंने फिल्म देखी मुझे लगा कि आप लोग ब्रेकिंग बैड से बहुत इंस्पायर्ड है और ब्रेकिंग बैड को आप कुछ होमाज देना चाहते हैं, मैं अभी इसीलिए आपको एग्जांपल देने वाला था ब्रेकिंग बैड तानिया एल्वेकर की ब्रेकिंग और बैड कि वॉल्टर वाइट जो है, यस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ विंस गिलिगन। एक और सीन भी है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में वो बैठे रहते हैं और जी उनसे मिस्टेक होती है, वो जो कैरेक्टर है उनकी बेटी मर चुकी है, ऐसा सेम एक कैरेक्टर हमारा ब्रेकिंग बैड में भी था। जी सो वो जी रेफरेंस मुझे काफी अच्छा लगा, मजेदार लगा, मुझे लगा कि अरे यार अब कुछ होगा उसमें, तो वो मतलब आप लोगों ने मतलब कॉन्शियसली डेलिबरेटिव। डाला हाँ, मेरे आई थिंक आप मेरे हर एक राइटिंग में कहीं ना कहीं आपको दिख सी वट एवर यू इंस्पायर्ड बाय ना, कहीं ना कहीं वो आपके काम में दिखेगा। मेरे को नहीं लगता लास्ट 10-15 साल में मैंने ब्रेकिंग बैड से बेटर पीस ऑफ राइटिंग देखी है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, जो आंख है उसका, या बेटर पीस ऑफ एक्टिंग भी देखी है फॉर दैट मैटर। तो आपको कहीं ना कहीं आने वाली फिल्मों में भी वो एलिमेंट्स दिखेंगे एंड बेटर दिखेंगे बिकॉज यू नो यू टेंड टू लर्न मोर ऑन ऑन द जॉब। लाइक पहली फिल्म के बाद सेकेंड फिल्म में आप जो कुछ सीखा है आपने वो लेके आते हो। तो या मोर वॉल्टर वाइट। दृश्यम का पार्ट टू भी लिख रहे हैं, दृश्यम टू भी आप लिख रहे हैं और भोला भी आप ही लिख रहे हैं। जी तो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ये दो फिल्में रीमेक है तो जी रीमेक फिल्में लिखने में वो राइटर क्या करता है, क्योंकि काफी मतलब हिंदी रीमेक्स में हमने देखा कि वो फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक होती है, तो उसे उसमें आप स्क्रीन प्ले में तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो एज अ राइटर आपका कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसमें, मतलब मुझे जानना है बस। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, वो कंप्लीटली क्रिएटर का कॉल होता है कि वो किस हद तक डू दे वांट टू मेक द ओन फिल्म और डू दे वांट टू मेक अ फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक। बहुत बार और मुझे ऐसा लगता है कि राइटर जो भी सेकंड राइटर होता है, सेकंड राइटर बोलेंगे कि जब रीमेक्स होता है या अगर आप अडेप्टेशन भी कह लो, मेरे हिसाब से जैसे अगर आप कोई कहानी को अडेप्ट करें, फॉर मी जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, विशाल भारद्वाज का, उन्होंने मकबूल बनाई है जो मैकबेथ से अडेप्ट की गई है, उन्होंने हैदर बनाई जो हैमलेट से अडेप्ट की गई, उन्होंने ओमकारा बनाई है जो ओथेलो से अडेप्ट की गई है। अब इन सारी कहानियों में स्क्रीन प्ले सेम है कि एक जो मैकबेथ है वो जाएगा, उसको एक प्रिडिक्शन एक प्रोफेसी मिलती है कि ही विल बी द नेक्स्ट किंग, और उसके बाद जो लेडी मैकबेथ है वो उसको और चढ़ाती। ये एलिमेंट जो है स्क्रीन प्ले के सेम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो विशाल भारद्वाज क्या लाते हैं उसमें, वो अपना अपनी एक दुनिया लेके आते हैं, अपने किरदार वही है, बट जब आप मैकबेथ को इंग्लैंड से निकाल के आप, या जहां पे भी वो बेस्ड है वहां से निकाल के आप इंडिया में सेट कर दे, तो बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में सेट कर दे, तो कहानी पूरी बदल जाती। दैट इज ट्रू फॉर जो कहते हैं, इट्स वेरी फेम इट्स दिस फेमस लाइन कि दुनिया में सिर्फ 7 कहानियां हैं। अब आप कैसे उन कहानियों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो वो आपके ऊपर। आप या तो कहानियों को मिक्स कर देते हो, दो कहानियों को, किसी एक कहानी में मैं 70% लूंगा ड्रामा, 30% कॉमेडी, किसी दूसरी कहानी में मैं पहले कहानी का 30% लूंगा, दूसरे का 70, कहानियां बदल जाती है। आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक एक आदमी है, एक जेलर है, उसकी पूरी फैमिली को जो विलेन है मार देता है, और फिर उससे बदला लेने के लिए वो जेलर क्या करता है कि कैदियों को छुड़ाता है और उनको अपने मिशन पे ले जाता है बदला लेने के लिए। अब ये कहानी किसकी है? जेलर मुझे शोले की तो थोड़ी बहुत याद आ रही है, लेकिन उसमें जेलर नहीं रहते, हंड्रेड वो परसेंट पुलिस नहीं, यू आर ऑफिसर। राइट, 100% शोले ही है। बट ये कहानी मैं आपको अगर बताऊं कि मैं कर्मा का आपको प्लॉट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, स्टारिंग दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ। अब आप देखो डिफरेंसेस बहुत सटल है कि एक में गब्बर सिंह है, वो गांव का देहाती डाकू है, और दूसरे में उसने अपने विलेन को बहुत सोफिस्टिकेटेड एक टेररिस्ट बना दिया, इंग्लिश कर दिया एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट। कहानी वही है, स्क्रीन प्ले भी अगर आप देखोगे तो वही है, दो दो कैदी के जगह 3 कैदी कर दिया, चलो है ना, बट कहानी तो वही है। तो वो आप कैसे उसको अडेप्ट करते हो, उसमें क्या कितना आप अपना ला सकते हो आप लाओ। बट मुझे यही लगता है कि राइटर को या किसी भी आर्टिस्ट को अगर आप अडेप्ट कर रहे हो, या रीमेक को मैं एज एन अडेप्टेशन ही देखता हूँ, यू शुड कीप योर ईगो असाइड
क्योंकि बहुत राइटर्स का मैंने देखा कि उनको लगता है कि हम अपना क्रिएट करें, आपको अपना क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल्स लिखो ना, वो जगह खाली है, राइट ओन ओरिजिनल स्टोरी। बट जब आप कोई चीज को अडेप्ट कर रहे हो, तो उस वक्त जो कहानी की खूबसूरती या स्क्रीन प्ले की खूबसूरती, उसको मत छेड़ो। जो अच्छी चीजें हैं उसको मत छेड़ो। जो आपको लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है, या जो आपको लग रहा है कि कुछ खामी है या कुछ वर्क नहीं किया, उसको अगर आप चेंज कर सकते हो करो, बट डोंट ट्राई टू मेस विथ वॉट इज वर्किंग फॉर द स्टोरी, इज वॉट आई फील। तो दृश्यम टू एंड भोला दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है मेरे लिए। एंड दृश्यम टू आई वेरी क्यूरियस, कि भोला तो अभी शूट कर ही रहे हम लोग, दृश्यम का मुझे बहुत क्यूरियोसिटी, क्योंकि हमने शूट कर लिया है, कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और उसके बाद मे बी वील डू अनदर इंटरव्यू आफ्टर दृश्यम टू कम्स आउट, सो दैट यू कैन वॉच बोथ द फिल्म्स एंड कंपेयर कि कितने चेंजेस किए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत खुल के बात किया। वैसे बात नहीं करते ना जनरली, जी एक फिल्म लाइन के लोग ऐसा परसेप्शन होता है कि नहीं, थोड़ा वो मेंटेन करके बात करते हैं। आप तो एकदम दिल खोल के आपने बात किया, अच्छा लगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। आई होप सो। एंड जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज वॉच रनवे 34 ऑन अमेजोन प्राइम। एंड या बाकी इंतजार है 18 नवंबर का, कि हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू दृश्यम 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लेजर प्लेजर प्लेजर।